गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर रिंकी ब्लॉग। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों कि मैं आया था अपने जॉब में और टाइम हो रहा है 10:45। तो अभी क्या है कि अपना तत्काल का भी समय है दोस्तों, और ये अपना जो एसी है दोस्तों, ये एसी भी काम नहीं कर रहा है और गर्मी तो बहुत लग रही है दोस्तों। तो मैं सोचा कि थोड़ा फैमिली से बात कर लिया जाए दोस्तों। और ये आज है 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल के दिन बहुत लोग अप्रैल फुल मनाते होंगे। तो दोस्तों 1 अप्रैल को ही मेरे दादाजी का यानी कि डेथ हुआ था। तो इस वजह से क्या है कि अपन लोग 1 अप्रैल को नहीं मनाते हैं। और दोस्तों बहुत से लोग तो मनाते ही होंगे, बस यही बताना था दोस्तों कि आज सुबह उठा और थोड़ा सा रात में सोने में ही लेट हो गया था मेरे को, क्योंकि गर्मी की वजह से नींद ही नहीं पड़ रहा था। तो अब नींद नहीं पड़ेगा तो क्या कर सके दोस्तों, मोबाइल चलाते रहते हैं रात भर। तो मोबाइल चला रहे थे, सुबह उठा मैं जल्दीबाजी से, उसके बाद फिर थोड़ा सा अपना फ्रेश वगैरह हुआ, अपना गाड़ी वगैरह पूछा, उसके बाद में फिर मैं अपना ड्यूटी फिर आया। जब आठ रास्ते में तो हमारे मोहल्ले में एक भाभी है, यानी बोला जाए कि बचपन से वो हम लोग को खिलाई है, नया ये सब चीज़ करी हो, तो उसकी माँ आई हुई थी। तो मैं जस्ट जैसे ही मेन रोड में पहुँचा तो फिर मेरे को बोले कि एक काम करो कि मेरी माँ को एक बार स्टेशन छोड़ दोगे क्या, ऑटो नहीं मिल रहा है। तो मैं बोला ठीक है भाभी, कोई दिक्कत नहीं है बोला। तो उसके बाद में मैं स्टेशन छोड़ा उनको, स्टेशन छोड़ने के बाद में अभी मैं आया अपने जॉब पर, क्योंकि एक चाबी मेरे पास रहती है, एक चाबी रहती है मेरे भैया के पास, यानी मेरे जो मालिक थे उनके पास में। तो सुबह मैं ही आके खोलता हूँ दुकान को, तो इसीलिए मैं सुबह आया जल्दी और दुकान को खोला। अब थोड़ी देर में दोस्तों कस्टमर लोग भी आएंगे, तत्काल वगैरह भी चालू हो जाएगा, तो मुझे और समय नहीं मिल पाएगा। तो मैं सोचा कि अभी आया हूँ तो अभी ब्लॉगिंग कर लेता हूँ दोस्तों। और तो मेरे पास में उतना समय नहीं मिलता है दोस्तों कि मैं जगह जगह जाके वीडियो वगैरह बना सकूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम एक दिन में एक वीडियो तो डाल सकूँ, और ये मैं अपनी इच्छा से डालता हूँ दोस्तों। मेरे को ये मतलब नहीं है कि मैं अरे यार मैं अच्छा वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, ये नहीं कर पा रहा हूँ। भाई अगर कंसिस्टेंसी रहेगी लाइफ में तो उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो मैं भी बस यही करता हूँ दोस्तों और लगे रहता हूँ अपने मेहनत में। तो एक ना एक दिन तो राम जी तो देखेंगे ही कि लड़का मेहनत कर रहा है, तो इसकी मेहनत का इसको कुछ तो मूल्य देना चाहिए। तो बस दोस्तों लाइफ इज ए स्ट्रगल, आपको करना ही पड़ेगा, हर हालत में करना पड़ेगा। बहुत से लोग हैं दोस्तों जो बोलते रहते हैं कि अरे यार लाइफ में बहुत तकलीफ है, ये है वो है। तो मैं जो बोलता हूँ दोस्तों कि जो मंदिर के बाहर या जो ऐसे घूम जो कचरा वगैरह उठाते रहते हैं उनसे तो अच्छी है उनकी लाइफ। अगर लाइफ है तो लाइफ में तो स्ट्रगल तो रहेगा ही दोस्तों, बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, आपको भोजन तक नहीं मिलेगा। अगर आपके नसीब में भोजन नहीं होगा, खाना नहीं होगा, तो आप कम आप उसको उठाओगे, मुंह तक लेके जाओगे और कहीं ना किसी के ठोकर या किसी से वो गिरी जाएगा। तो मैं तो सोचता हूँ दोस्तों कि जो भीख वगैरह मांगते हैं या जो मंदिर के बाहर जो बैठते हैं, जो कचरा वगैरह ये सब चीज़ उठाते हैं, उनसे तो अच्छी लाइफ होगी दोस्तों। क्योंकि देखो लाइफ का स्ट्रगल कब ख़त्म होता है, जब हमारी डेथ हो जाती है, हमारी जब मृत्यु हो जाती है तब हमारी लाइफ की स्ट्रगल ख़त्म होती है। क्योंकि अगर मान लो कुछ चीज़ आसानी से मिल जाएगा या सब चीज़ आसान हो जाएगा तो इंसान क्या हो जाएगा, आलस हो जाएगा। तो इस वजह से लाइफ में स्ट्रगल, हर मोमेंट में कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट, ये सब चीज़ ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप स्ट्रगल करके जो चीज़ आप स्ट्रगल करके कमाएंगे उसमें ज़्यादा अच्छा है कि जो फालतू मिल जाएगा उसमें ज़्यादा अच्छा है। तो मैं तो सोचता हूँ कि इसी में ही ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। मेरी बात को आप समझ सकते हैं दोस्तों कि लाइफ है तो स्ट्रगल है, स्ट्रगल जब तक नहीं करोगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। और दोस्तों मैं तो यही बोलता हूँ, अगर लाइफ में अगर आप एक दिन भी भगवान का अगर नाम नहीं ले पाते या नहीं ले रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपका जीवन जीना व्यर्थ है दोस्तों। कि आज की भाग दौड़ में लोग भगवान तो दूर, अपनों से जिसके घर में रहते हैं उनसे ही ठीक से मिल नहीं पाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ क्या है दोस्तों कि लोग अपने में ही मगन हैं आज के डेट में दोस्तों। अगर आप किसी से भी नहीं मिल सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम पूजा पाठ कीजिए, भगवान से मिलिए, भगवान को अपनी सारी बातें बताइए,
आपके मन में जो भी इच्छा है, जो भी आपको पाना है, जो भी आपके विचार हैं, सब वो भगवान से बात करो, क्योंकि अगर आपको तकलीफ है, दुख है, कुछ भी परेशानी है, अगर आप दूसरों को बताओगे तो वो क्या है कि वो उस टाइम तो आपका बात अच्छे से सुनेंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद में क्या है, अगर कोई तीसरे आदमी से मिलेंगे तो हंस हंस के बताएंगे, अरे उसको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। लेकिन यही बात अगर आप भगवान के सामने करेंगे तो भगवान सुनेंगे भी उसको और आपको उसको उससे निकलने का रास्ता भी बताएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि मेरा तत्काल का समय हो गया, मैं ड्यूटी में आया हूँ तो मेरे को उतना समय नहीं मिल पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय श्री राम।